देखिए दोस्तों, अगर आपका बजट अंडर 35,000 है और इस प्राइस में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ऐसे तो इस प्राइस में मार्केट में काफ़ी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, बट सभी स्मार्टफोन के अंदर उतना अच्छा कैमरा सेटअप नहीं दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन के बारे में बताने वाले हैं, जिसके साथ में मस्त ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियो फोटो वगैरह ले सकते हैं। साथ में पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा, जिसके साथ में वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी हैवी टास्क काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी जानकारी मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेगा। 5वें नंबर पर है रियलमी GT Neo 3। इसमें 6.7 इंचेस का 120Hz फास्ट रिफ्रेश एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, ब्रिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो ओवरऑल डिस्प्ले भी यहाँ पे काफ़ी बेटर मिल जाता है। 50MP प्राइमरी सेंसर के साथ में रियलमी ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, और जो प्राइमरी सेंसर है जिसको 20x तक डिजिटल जूम कर सकते हैं। 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, तो ओवरऑल यहाँ पे कैमरा सेटअप भी काफ़ी बेटर मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए मीडिया टेक डायमंड सिटी 8100 ऑक्टाकोर का प्रोसेसर मिल जाता है, और ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसके साथ में गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं या फिर कोई भी हैवी टास्क काफ़ी इजीली कर सकते हैं। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। 8GB प्लस 128GB के लिए 36999 में परचेस कर सकते हैं, बट ऑफर प्राइस में ये स्मार्टफोन 34,000 के आसपास परचेस कर सकते हैं। और इस प्राइस के अंदर कैमरा के साथ साथ बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप रियलमी GT Neo 3 को भी कंसीडर कर सकते हैं। 4th नंबर पर iQOO 9SC। इसमें 6.6 इंचेस का 120Hz फास्ट रिफ्रेश का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 48MP प्राइमरी सेंसर के साथ में रियलमी ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, और इस सबके कैमरे में डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल इस फोन के अंदर भी आपको कैमरा सेटअप काफ़ी बेटर मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिल जाता है, और ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसके साथ में गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, हैवी टास्क काफ़ी स्मूथली कर सकते हैं। 4500mAh की बैटरी मिल जाती है, 66W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा। 8GB 128GB के लिए 32990 में परचेस कर सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो iQOO का स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन होते हैं, बट इसके अंदर कैमरा पे भी काफ़ी काम किया गया है और इसके अंदर बेटर कैमरा सेटअप दिया गया है। दोस्तों, अब जो 3 स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग उससे बेस्ट कैमरा आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और 3rd नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी A53 5G। इसमें 6.5 इंचेस का 120Hz फास्ट रिफ्रेश का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 64MP प्राइमरी सेंसर के साथ में रियर में क्वाड कैमरा मिल जाता है, 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए सैमसंग का एग्जाइनोस 1280 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 25W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। 6GB 128GB के लिए 30499 में परचेस कर सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो सैमसंग के स्मार्टफोन में ऐसे भी कैमरा सेटअप काफ़ी बेटर होते हैं अदर ब्रांड के मुकाबले, या फिर सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होता है जो कि किसी भी ब्रांड के मुकाबले काफ़ी बेटर क्वालिटी के यहाँ पे मिल जाता है, या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आपको चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी A53 को कंसिडर कर सकते हैं। 2nd नंबर पर गूगल पिक्सल 6 है। इसमें 6.1 इंचेस का 60Hz का OLED डिस्प्ले मिल जाता है, 12+12 में आपका रियर में डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, 8MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, तो ओवरऑल इसके अंदर कैमरा सेटअप काफ़ी बेटर दिया गया है। इसमें परफॉर्मेंस के लिए गूगल का ही गूगल टेंसर चिप मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, जिसके साथ में डे टू डे टास्क को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले या फिर किसी भी गेमिंग वगैरह काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। इसमें 4410mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। 6GB 128GB के लिए 34199 में परचेस कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा चाहिए, फ़ोन के अंदर कुछ भी ब्रॉडवेयर कुछ भी एड्स वगैरह नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको चाहिए तो आप गूगल पिक्सल 6A को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और इस प्राइस के अंदर इससे बेटर एंड्रॉयड में कोई भी फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलता है, और साथ में इसके अंदर बेटर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है। 1st नंबर पर iPhone SE 2022 Edition। इसमें 4.7 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है, 12MP का रियर में सिंगल कैमरा मिल जाता है, 7MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, तो इसके अंदर कैमरा सेटअप काफ़ी बेटर मिल जाता है, जो कि किसी भी स्मार्टफोन से आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसमें परफॉर्मेंस के लिए एप्पल का A15 बायोनिक चिप मिल जाता है, जिसके साथ में डे टू डे लाइफ में फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है या फिर कोई भी हैवी टास्क काफ़ी स्मूथली कर पाएंगे। बैटरी की बात करते हैं तो 2018mAh की बैटरी मिल जाती है, 20W का चार्जिंग मिल जाता है। 128GB वेरिएंट वाला 34990 में परचेस कर सकते हैं। आपका बजट अंडर 35,000 है और इस प्राइस में बेटर कैमरा के लिए आईफोन लेना चाहते हैं तो
तो आप आईफोन SE 2022 एडिशन को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बात की है उनमें से आईफोन SE, फिर एंड्रॉयड में गूगल पिक्सल 6 है या फिर सैमसंग गैलेक्सी A53 आपके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और मेरे तरफ से रिकमेंड है कि आप इन्हीं तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।